बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना विलेज फूड देखने वाले सभी दोस्तों को मोहम्मद इदरीस की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बनाई है इंडिया की नेशनल डिश खिचड़ी। आइए आपको बताते हैं ये बनाने के लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए और ये कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले हम धनिया काट लेंगे, थोड़ा सा धनिया चाहिए हमें। सब लहसुन भी डालना है। एक अदद लहसुन और धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इंडिया की नेशनल डिश खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी। इसके लिए हमने एक कप दाल लेकर भिगो दी है, एक घंटा हो गया है भिगो की। और डेढ़ कप हमारे पास चावल हैं, चावल भी हमने भिगो दिए हैं। सब्ज़ मिर्च, धनिया, सब्ज लहसुन, एक अदद प्याज और मसाला जा। आइए आपको बताते हैं ये कैसे बननी है। घी हमने पतीली में डाल दिया है। घी गर्म होने तक हम प्याज काट लें। हम बारीक बारीक प्याज काट लेंगे, तब तक हमारा घी भी गर्म हो जाएगा। प्याज को हमने छील कर पहले ही धो लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसके बाद हम सब्ज लहसुन को काट लेंगे। ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बारीक बारीक काटना है। अब हम लहसुन ऐड कर देंगे। हरा सब्ज लहसुन हमने काट कर ऐड कर दिया है। अब हम सब्ज मिर्चें काट लेंगे बारीक बारीक। इनको थोड़ी देर बाद में डालेंगे। अब हम थोड़ा सा धनिया काट के रख लेंगे। ये धनिया भी हमारे घर का है। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, हमने ये कूट कर एक चम्मच कूट कर तैयार कर लिया। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे इसमें, दो चम्मच नमक के। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम सब्ज मिर्च ऐड कर देंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, पानी डालकर अच्छे से हलाना है। दाल को हमने एक घंटा भगो लिया था, अब इसको अच्छे से साफ कर लिया है, बस कोई कोई छिलका रह गया है। अब हम मूंग की दाल ऐड कर देंगे जो एक घंटा पहले भिगोई थी हम।
इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चार कप हम पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि चावलों से ज़्यादा पानी डाला जाता है, चावलों में डेढ़ गुना होता है, इसमें डबल पानी डाला जाता है। अब हम इसको उबाल आने तक ऊपर से ढक देंगे। चावल हमारे गलने शुरू हो चुके हैं, अभी पानी खुश्क नहीं हुआ, थोड़ी देर और इंशाल्लाह पक जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं, डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं हमारी खिचड़ी कैसी बनी है। हमारे पाकिस्तान में तो जो बच्चे बीमार होते हैं, जिनसे खाना नहीं खाया जाता रोटी या चावल, उसको ये नरम ग़ज़ा बना कर देती हैं। बच्चों की बूढ़ों की ये पसंदीदा ग़ज़ा है और इंडिया की ये कॉमन डिश है खिचड़ी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अपना विलेज फूड को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। पानी खुश हो गया है और अब हम चेक करेंगे चावल गल गए हैं कि नहीं। चावल भी गल चुके हैं और दाल भी गल चुकी है। दाल को थोड़ी सी कसर है, अभी थोड़ा सा पानी है। अब हम इसको आग बंद कर देंगे और दम पे रख देंगे। अभी आग नहीं जलानी, अभी बस जो छोटे छोटे कोले हैं कोलों को ऊपर पड़ा रहने दो इसको 5 मिनट सिर्फ। अगर आप चूल्हे पे पका रहे हैं तो स्टोव को आहिस्ता कर दें, बिल्कुल आहिस्ता कर दें। 5 मिनट हो चुके हैं दम पर पड़े हुए, खिचड़ी हमारी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। खिचड़ी हमने डिश आउट कर ली है, खिचड़ी हमारी रेडी है। अब हम अपने अबू जान को पेश करेंगे, अबू जान बताएंगे कैसा टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाह करो अबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जान कैसा टेस्ट है? माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चा दरीस, बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह। अब वो बोल रहे हैं बहुत अच्छी बनी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अपना विलेज फूड को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक मोहम्मद इदरीस को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।